वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टिकटक पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Realme X का जो है एंड्रॉयड 10 अपडेट आया है उसमें आप लोग को क्या क्या हिडन फीचर्स मिल जाते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करते रहिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी का भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। Realme X में जो यहाँ पे पहला फीचर्स जो आता है वो यहाँ पे अगर पावर अप को आप दबाए रहिएगा तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे इनेबल कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में अगर रीस्टार्ट कीजिएगा तो आपको ग्रीन साइन दिखेगा और यहाँ पे रेड साइन दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम दूसरा फीचर्स का अगर यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का जो आइकन होता है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट में बहुत सारे ऐसे एनिमेशन को ऐड किया गया है दोस्तों जो आपको देख कर बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो है साउंड को ऐड कर दिया गया। अब इसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, आपको फिंगरप्रिंट वाला में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे एनिमेशन को ऐड कर दिया गया है, साउंड को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम तीसरा बात करें जो इस मोबाइल में आया है तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखला देना चाहता हूँ कि यहाँ पर तीसरा जो है यहाँ पर का आया है तो AOD फीचर्स का यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीके से ध्यान रखा गया है। अब AOD फीचर क्या होता है यहाँ पर आप देख लीजिए, सब टिकटक लिखा है ऐसा आप लोग को आता है और या फिर आप लोग को जो है यहाँ पर क्लॉक का जो डिज़ाइन है वहाँ पर चेंज करना है। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल में जो है बहुत सारा यहाँ पे क्लॉक को ऐड किया गया है, एनालॉग में भी आप लोग को क्लॉक को ऐड किया गया है। तो एक बार से हम यहाँ पे आप लोग को डिजिटल में कोई एक जो है डिजिटली एक जो है यहाँ पे लगा के एक बार दिखलाते हैं ये कैसा लगता है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम चूज कर लेते हैं और उसके बाद जो हम यहाँ पे क्लॉक को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे इसको अगर हम पावर ऑफ करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो है टाइम आ गया है। तो दोस्तों ये हमारा जो है बहुत ही अच्छा एक फीचर्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों अगला जो फीचर्स है उसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसी में आप लोग को एक मंत्रा मिल जाता है। अब उसमें दोस्तों क्या होगा कि ऊपर में आप लोग को इंटर कुछ भी आप लोग करना है और यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ सब्सक्राइब टिकटक और उसके बाद जो है यहाँ पे आप इसका फॉन्ट वगैरह सभी चीज़ जो है चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको लार्ज रखना है, मीडियम रखना है, या फिर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। और जब आप यहाँ पर पावर ऑफ कीजिएगा तो यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर सब्सक्राइब टिकटक यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। इसी में दोस्तों अगर हम नेक्स्ट जो है फीचर्स का बात करते हैं दोस्तों तो वो भी आप लोग को बहुत ही कूल फीचर्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो उंगली से आपको पिंच करना है, सेटिंग में जाना है और जब से आप सेटिंग में जाइएगा तो वहां पे होम मोड आएगा तो उसमें आप लोगों को ड्रॉ मोड का जो है ऑप्शन यहां पे डाल दिया गया है। अब ये ड्रॉ मोड को ओपन करने के लिए आपको स्विच करना पड़ेगा और उसके बाद अप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो इसमें जो है Realme UI का जो यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड जैसा आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे फीचर्स को ऐड किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे फीचर्स आप लोग को सिक्स वाला जो फीचर्स है वो आप लोग को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे चलना होगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कौन से यहाँ पे जो है सिक्स में फीचर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन को यहाँ पर लाइट को जो पूरा तरीके से चेंज किया गया है और ऊपर में आपको जो है एक क्लॉक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर टोगल वगैरह जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐड कर दिया गया है और यहाँ पर से आप ऐसे आप एडिट कर देंगे तो यहाँ पर से आप इसको जो है उठा कर वहाँ पर ला सकते हैं और इसका जो उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा लगता है और वाइट जो है बैकग्राउंड इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। वहीं पे अगर मोड्स का बात करें तो आप मोड में जाइएगा तो यहाँ पे एक फोकस मोड और ड्राइविंग मोड मिलेगा। अब इस फोकस मोड में अगर आप कर दीजिएगा तो लेकिन याद रखिए दोस्तों इस फोकस मोड में करने के बाद आप जो है जितना टाइम लगाइएगा उतना टाइम में ही आपका जो मोबाइल है इस सबसे बाहर निकलेगा। इसको हम लास्ट में आप लोग को एक्सप्लेन करके दिखलाएंगे, अभी इसके बारे में बस इतना ही। अब अगला फीचर्स में अगर हम जाते हैं और सेवेंथ वाला जो फीचर्स है वो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लोग को एक और चीज़ यहाँ पे मिलता है वो क्या है दोस्तों, तो Realme शेयर का। पहले जो है आप यहाँ पे Realme से Realme में जो है आप कोई भी फाइल या फिर वीडियो या फिर इमेज आप भेज सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब जो है ओप्पो वीवो या फिर आप लोग को बहुत सारे Xiaomi के डिवाइस में भी अब इससे जो है भेज सकते हैं डाटा या फिर किसी भी तरह का कोई भी हो। तो यहाँ पर दोस्तों नाइन्थ वाला जो फीचर्स है उसके लिए आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट असिस्टेंट यहाँ पर ओपन किया गया है और यहाँ पर मैच वगैरह सभी चीज़ का आप यहाँ पर लिस्ट रख सकते हैं। अब इसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग जाना पड़ेगा और यहाँ पे जैसे आप सेटिंग में जाइएगा तो वहाँ पे जो सर्च बार होता है उसमें आप लोग को लिखना होगा स्मार्ट और जैसे यहाँ पे लिखेगा स्मार्ट असिस्टेंट आ जाएगा। तो उसके आप अगर बंद कर दीजिएगा तो जब आप राइट या फिर लेफ्ट अगर आप क्लिक कीजिएगा या फिर आप इधर स्लाइड कीजिएगा तो वो नहीं आएगा, और जैसे इसको आप ओपन कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप राइट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को ये जो देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये फीचर्स जो है बहुत ही कूल यहाँ पर लगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दसवां जो फीचर्स यहाँ पर बात करने वाला हूँ वो इस जो है स्मार्ट स्लाइडर के बारे में। पहले भी
ये जो है फीचर्स था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जो है थोड़ा सा इसको लंबा कर दिया गया है और रेक्टेंगुलर साइज में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सबसे मज़े की बात दोस्तों तो ये है कि यहाँ पे आप लोग को प्लस करने का एक आइकन दिया गया है, जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर आप ला सकते हैं और जब भी आप गेम वगैरह खेलेंगे तो ये यहाँ से आप लोग को बहुत ही अच्छा जो है ये मदद करेगा, आप स्लाइड करके कर सकते हैं। अब इसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप लोग को देखना पड़ेगा साइड बार। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर साइड बार लिखेगा वहाँ पर आप लोग को ये जो है इनेबल करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट स्लाइडर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो ये जो फीचर्स आपके मोबाइल से हट जाएगा, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपके फ़ोन में जो है ये फीचर्स रहेगा। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर है दोस्तों, आप लोग को आशा करता हूँ ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग 11th फीचर्स की अगर बात, तो सिंपली आपको दो पिंच जो है उंगली से करना है। अगर आप वॉलपेपर में जाते हैं तो यहाँ पे जो है आपको एंड्रॉयड 10 में बहुत सारे जो है एक्स्ट्रा जो यहाँ पे वॉलपेपर देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लाइव वॉलपेपर को भी ऐड किया गया है। अब जैसे आप इसको लगाते हैं, सेट करते हैं और जैसे आपका दिन ढलता है वैसे वैसे आपका डिस्प्ले जो है चेंज रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों, जैसे ही नाइट होगा तो यहाँ पर आप लोग को स्टार वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो बहुत ही कूल लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे लाइव पेपर को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है वॉलपेपर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा करके, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को आप जल्दी से ऑन कीजिए ताकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करें। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बढ़ावा जो फीचर्स है उसको यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो इसमें आप लोग को जो है कैलकुलेटर में जाना है और यहाँ पर दोस्तों एक आपको चिन्ह दिखेगा, उस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों आपका जो है ये कैलकुलेटर वो बैकग्राउंड में जो है रन होने लगेगा और आप इसको जहां भी ले जाकर आप चाहते हैं ऐड करना, आप यहां से जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर्स को यहां पे ऐड कर दिया गया है। तो यहां पे दोस्तों 13 वाला जो है आप लोगों को मैं फीचर्स बताने वाला हूँ, ये यहाँ पर वॉल्यूम से है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम को दबाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको नया UI देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ पर दोस्तों अब लग रहा है कि स्टॉक एंड्रॉयड जैसा इसका जो फीचर्स डाल दिया गया है। तो ये भी दोस्तों देखने में बहुत ही कूल लगता है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे कैमरा में भी बहुत ज़्यादा जो है चेंज कर दिया गया है, इसका जो लेआउट है वो यहाँ पे पूरा ही तरीका से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, चाहे वो नाइट मोड हो या 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो, स्लो मोशन हो, ये सभी चीज़ यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक आप लोग को मेनू देखने के लिए मिला था और उसमें आप लोग को स्लो मोशन, 48 मेगापिक्सल, नाइट मोड यहाँ पर सभी चीज़ मिलता था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आपको सामने में ही दे दिया गया है। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर्स यहाँ पर ऐड कर दिया गया है और इसका जो है कैमरा थोड़ा बहुत अच्छा भी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ बढ़ता हूँ, उसको इनेबल करने के लिए आपको फिर से सेटिंग में चलना है और यहाँ पे हाई टैप आपको क्लाउड मिल जाता है। अब दोस्तों ये क्या है, तो इसको जो है आप इनेबल कर दीजिएगा दोस्तों, आपके पास जो है इंटरनेट रहना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन जो है रीसेट हो या फिर कुछ भी हो तो आप यहाँ पे सभी चीज़ का जो है आप यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही कूल फीचर्स को ऐड किया गया है और ये जो है नेट से काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है अगला फीचर जो 16 नंबर का है, उसके लिए आपको रियलमी लैब में जाना होगा और यहाँ पे दोस्तों जाते ही आप लोग को यहाँ पे दिखला दे रहा है डुअल मोड म्यूजिक शेयरिंग। अब दोस्तों ये फीचर्स जो है आप लोग को ब्लूटूथ और या प्री म्यूजिक दोनों एक साथ में आप जो है गाना एक ही बार में सुन सकते हैं। तो ये कूल फीचर्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, तो इसमें आप लोग को सर्च करना है, तो वो सर्च क्या करना है, आप यहाँ पर डायरेक्टली भी यहाँ पर आप जा सकते हैं गेम सूट। इसमें दोस्तों क्या क्या ऐड किया गया है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर गेम सूट में, मेरे पास तो अभी पबजी नहीं है इसलिए मैं पबजी नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग को यहाँ पे जो है लूडो में आप लोग को मैं दिखला देता हूँ कि इसमें जो फीचर्स क्या है। उस सबसे पहले आपको वो गेम जो है आप लोग को गेम सूट में इनेबल कर देना है, मतलब ला देना है, और उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक गेम जो है यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ जिससे आप लोग को देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं क्लासिक और कंप्यूटर से मैं खेलता हूँ, और उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो कॉर्नर में देख रहे हैं लेफ्ट या फिर राइट, वहाँ से आप लोग को ऐसे जो है स्लाइड करना है। जब आप यहाँ पर स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे जो है फीचर्स को ऐड किया है, जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैसेज वगैरह पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप इनेबल कर सकते हैं। तो ये एक फीचर्स कूल था। तो यहाँ पे दोस्तों मैं नेक्स्ट जो फीचर्स है उसमें अगर वेदर पे आप जाइएगा, वेदर जो एप्लीकेशन होता है, तो उसमें आप लोग को मोस्टली मतलब सभी तरीका जो है, अगर आप रेनी सीजन में है तो वहाँ पर आप लोग को रेनी सीजन वगैरह सभी चीज़ इसको जो है लिखेगा, समर वेकेशन में समर वगैरह सभी चीज़ लिखेगा। ये जो है कूल यहाँ पर लगता है इसका जो है फीचर्स। तो दोस्तों इसमें जो है हम आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का जो फीचर्स है उसके लिए आप लोग को क्या करना है, उसके लिए दोस्तों 3D टच यहाँ पर आ गया है। जैसे ही आप
किसी एप्लीकेशन पे टच किए रहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को अब बहुत सारा जो है यहाँ पे एडिट करने के लिए आपको दिया जाएगा। इससे जरिए आप बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला जो फीचर्स है वो आप लोग यहाँ पे मोड्स में है, तो यहाँ पे अगर आप जानते हैं दोस्तों रिकॉर्डिंग वाला जो सेक्शन है उसमें, तो आप दोस्तों आप क्या कर सकते हैं सिस्टम साउंड को भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप माइक लगाए हुए हैं तो आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है माइक का साउंड भी आप इनेबल कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रंट कैमरा जो है उसको भी इनेबल करके आप अपना डायरेक्टली जो है फोटो भी आप ले सकते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान। तो चलिए एक बार से मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये जो है कैसा यहाँ पे काम कर लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे दोस्तों आपको रेड कलर पे जो है क्लिक करके यहाँ पे इनेबल करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे निकल गया है, यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे दोस्तों पाउच और प्ले का एक नया जो है फीचर्स एड कर दिया गया है और यहाँ पे आप पाउच और प्ले दोनों भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक कूल फीचर्स को यहाँ पे एड कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों 21 नंबर का जो है यहाँ पे हमारा वो है यहाँ पे गेस्चर में, जब आप यहाँ पे गेस्चर में जाइएगा तो 3 डॉट से मतलब 3 जो है फिंगर से उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और खास बात दोस्तों ये है कि आप लोग को यहीं से आप शेयर भी कर सकते हैं, या फिर आप जितना दूर का आप लेना चाहते हैं उतना दूर से आप अपना फिंगर जो है 3 फिंगर्स को आप इसे इनेबल कीजिए और यहाँ पे दोस्तों आप जो है उतना ही दूर का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो है शेयर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगला जो फीचर्स है उसके लिए आपको फिर से आपको सेटिंग में चलना होगा और सेटिंग में जब आप जाइएगा तो उसमें आपको कन्वीनियंस टूल्स मिलेगा, उसमें आप लोग को नेविगेशन बटन मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है स्वाइप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पे दोस्तों एक नया जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है जो MI वगैरह या फिर हुआवे वगैरह के जो फ़ोन में जैसा ये आता है वैसा। तो ये भी फीचर्स एक जो है बहुत ही कमाल का ऐड कर दिया गया है, अब जिसको जैसा मन वो ऐसा आपको करेगा। यहाँ से आप कीजिएगा तो बैक हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे मेन्यू में जाना चाहते हैं तो ऐसे करके आप जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 23 नंबर का बात करें तो यहाँ पे दोस्तों फ़ोन मैनेजर एप्लीकेशन से है, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका जो है UI जो है पूरा तरीके से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को वायरस क्लीन या फिर क्लीन अप स्टोरेज का यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही अच्छी तरीके से करने के लिए दिख जाएगा। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही कूल यहाँ पे फीचर्स को इसमें जो है ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम 24 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो है चार्जिंग एनिमेशन जो है बहुत ही अच्छा कर दिया गया है, जब आप इसको चार्ज में लगाते हैं तो ये ऐसा जो है आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और इस लिस्ट में हमारा सबसे जो है लास्ट आता है वो यहाँ पे सेटिंग में जाइएगा, तो आप अगर बैटरी में जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक जो है इंटेलिजेंट पावर सेविंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा और उससे जो है बहुत ही अच्छा आप लोग का बैटरी जो है सेव होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर कीजिए ताकि ये भी जो फीचर्स है वो सभी को पता चले। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने मैंने को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसका जो है किसी भी बग के रिगार्डिंग।